अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के ढोसे, जो बहुत ही कम सामान में और सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, बहुत ही क्विक रेसिपी है। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा, 1 बारीक चॉप किया हुआ कांदा, जीरा, नमक, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, और हरी मिर्च का पेस्ट। हमने जिस कप से चावल नापा था उसी कप से हम पानी भी लेंगे, तो इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें और पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से, यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ 1 कप आटे में 2.5 कप इतना पानी डाल लिया। हमें ऐसा ही बैटर रखना है। तो लगा देंगे तेल, हमने ढोसे वाला तवा यूज करी हूँ। इसको हम डाल देंगे बैटर। इसको हम 5-10 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। 5 minutes later. फिर थोड़ा सा इसको हम लोग सेक लेंगे। A few moments later. अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी हमें ये बैटर डालना है, तो इसको हम और ऐसे अच्छे से हिलाकर फिर डालेंगे। और सारे ढोसे इसी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।